वहाँ मकान में नहीं था सुनने का, सब इसी में रहते, इसीलिए हम इसी में रहते। हेमंत सोरेन को अब तक वोट क्यों देते थे? अरे पाली हम बोल रहा है, हमको मकान दे रहा है, नहीं दे, एक बार फोटो करके चला गया, नहीं दे, मोदी हम देंगे तो देंगे, मोदी को वोट देंगे तो मोदी मकान देगा। यही लोग हैं जिन्होंने सरकार पर भरोसा जताया था और यही लोग उसी सरकार पर भरोसा जताने के लिए आज रो रहे हैं। ठीक बोल, परेशान मत होइए बाबा। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। हेमंत सोरेन जी लगातार ये कहते हैं कि मैं आदिवासियों का नेता हूँ, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ और मैं यहाँ पर जब इन लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा सा गिरी नज़र से देखा जाता है, मुझे उस तरीके से वो सम्मान नहीं मिलता है जो बाकी के नेताओं को मिलता है। मैं आदिवासी हूँ और मैं अपने आदिवासियों के लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप तो BMW में बैठते हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन देखिए इस गाँव की हालत और इन लोगों की हालत, जिनकी मदद से, जिनके वोट से और जिनकी सहायता से आज आप तो BMW में बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत अब भी वही है जो कुछ सालों पहले तक हुआ करती थी। यानी इनके जीवन में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है और तो और इनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। ये जो आपको पीछे बना हुआ घर दिख रहा है ना, इस घर में बाबा रहते नहीं हैं। बाबा कहाँ रहते हैं आप? दुकान में। इस दुकान में? दुकान 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 में क्यों रहते हैं? उधर हम तो बच्चा सब आए, कहाँ से जाएंगे, चलिए अभी दिखा देंगे। इस घर में क्यों नहीं रहते हैं? कहाँ रहने की जगह भी नहीं है, चलो अभी दिखा देंगे ना। हम झूठ नहीं कहते है भगवान जी, हम झूठ नहीं कहते। कहाँ रहेंगे? मेरे यहाँ रहेंगे, यहाँ सो रहे, यहाँ दुकान चलाते हैं। कल तो दिखा दे, फिर अभी चलो ना, अभी दिखा देंगे। क्या बात, हम झूठ नहीं कहते। कल हमने इनका घर देखा था लेकिन इनके वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, तो आज हम इसीलिए फिर से, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं आती तो आप लोगों को भी समझने में या इनकी बात सुनने में दिक्कत होती, तो हम लोग इसीलिए दोबारा फिर से आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम समझ ले। बाबा सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, हर मौसम में आप इसी दुकान में रहते हैं? वहाँ मकान में नहीं था सुनने का, इसीलिए हम इसी में रहते। चलिए अभी मकान दिखा दें। कितना परेशान है और देखिए कैसे इनकी आंखों में आंसू भरे हैं। हम जो ड्रीम हाउस की बात करते हैं ना, हाँ 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 बाबा, हम जो ड्रीम हाउस की बात करते हैं ना, हमारे सपनों का घर, तो इनका जैसा भी, जो भी इनकी कुटिया है, ये घर है, इनका ड्रीम हाउस इनके लिए ये वही है और ये छोटी सी दुकान है जिससे इनका घर खर्च चलता है। क्या क्या परेशानी बाबा आपको होती है इसमें रहने में? यहाँ फिर भी हमारा चादर है ना, चादर कंबल है, वो सब कुर्ता है, वो सब पहन के हम सो रहा है, वो सब पहन के सो जाते हैं। क्या क्या, क्या परेशानियाँ होती हैं आपको इसमें रहने में? ठंड में, ठंड लगती है? ओ तो हम बोल रहा, चादर ओढ़ता है, कंबल ओढ़ता है। और गर्मी में? गर्मी में ऐसे रहते हैं, मसारी कटा दर है मसारी। बारिश में? बारिश में यहाँ पर रहते हैं, बारिश में, बारिश में भी। तो आप कहाँ रहे बोलिए ना। एक भी बल्ब इसमें लगा हुआ है, ना पंखा लगा हुआ है, ना इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं, बस जो जैसी भी है, ये छोटी सी दुकान इन्होंने बना रखी है और इसी में बाबा जो हैं अपना जीवन इसी तरीके से निकाल रहे हैं। अगर आप देखें तो इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए। जो ये लगातार कहते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए सब कुछ किया, मैं आदिवासियों का नेता हूँ, तो आदिवासी आज भी उन्हीं हालत में है, उसी तरीके से ये अभी भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा खर्चा कैसे चलाते हैं, खाना पीना सब कुछ कैसे करते हैं? चलाते हैं, 1000 एक महीना में मिल रहा है, इसीलिए चल। 1000 एक महीने में मिलता है? हाँ। किस चीज़ का मिलता है? अरे कंट्रोल में चावल मिलता है, कल मिलता है, कल लाइएगा। राशन मिलता है आपको? हाँ। और 1000 रुपये पर महीने मिलता है आपको? हाँ, हर महीने में। खेत है आपके पास? खेत है, थोड़ा है, 10 कट्ठा। हाँ। तो उसके लिए आपको रुपए मिलता है? जैसे कभी फसल वगैरह खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा मिलता है? नहीं दे रहे। ये बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ। कितने? चलिए ना दिखा देंगे अभी। हाँ हाँ, अभी मकान में है, चल चलिए चलिए बात कराइए। और इनका घर भी देखिए,
उधर से चलें, ये क्योंकि सड़क बन गई तो इनका जो जितना भी घर था उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, तो इनका ये जो घर है ये पूरा ज़मीन के मतलब सड़क के एकदम नीचे आ चुका है, तो बारिश वारिश कुछ होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो इनके पास अब रहने के लिए जो ये मकान था वो अब नहीं है। इसको भी हम अंदर से अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन इनके घर परिवार के जो लोग हैं पहले उनसे बात करते हैं। आपका हिंदी आती है? अच्छा नहीं आता है। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है? इसी में रहती है, यहीं पे? नहीं, मेरा घर वहाँ पे। आप क्या करती हैं? आप कुछ नहीं, कुछ नहीं करती। क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको यहाँ पर रहने में? बाबा अभी आपका भी घर देखेंगे, अभी चलेंगे आपके भी घर, 5 मिनट दीजिए मुझे, अभी आपके हाँ, घर तो, भी चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ अभी चलेंगे, ठीक। क्या 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 परेशानियाँ होती हैं आपको यहाँ रहने में? मेरा घर तो वहाँ पे है, वहाँ पर है, पर बिजली पानी आता है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं आता है? नहीं। बिजली नहीं है? नहीं। पानी? पानी कुआं का खाते हैं। कुआं का? हाँ। टंकी का पानी नहीं आता है? टंकी का कहीं के नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा। धूप नहीं आएगा तो कैसे पानी उठे रहेगा? तो यानी कभी कभी पानी भी नहीं होता है, कुएं से पानी? हाँ। और बिना बिजली के रहते हैं? हाँ। बच्चे हैं? बच्चा है। कितने बच्चे हैं? एगो, और एगो लड़की। क्या करते हैं? घर खर्च कैसे चलता है? आप लोग काम क्या करते हैं? कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं करते, नहीं ऐसे खेत में काम करते हैं। खेत में काम? हाँ, जमीन भी हम लोग का थोड़ा हल्का कम है। कम जमीन है? हाँ, 5 कट्ठा मतन। तो उससे जो फसल होती है उसको ही खाते हैं आप लोग या वो बेचते हैं? नहीं, बेचते हैं, उसी को खाते हैं। हाँ। पति वती आपके क्या करते हैं? नहीं नहीं है, नहीं नहीं है। तो आप सब कुछ करती हैं? और क्या करेंगे, 3 आदमी है, एक लड़का एक लड़की, 3 गो है, तो हम खेत में काटते हैं, खाते हैं। आप ही फसल लगाती हैं, आप ही फसल काटती हैं? हाँ। वोट किसको देती हैं? वोट कोई नहीं ले या ना, किसी को नहीं देती हैं? क्या देते हैं? देती हैं ना। हाँ। तो उनसे क्या उम्मीद करती हैं आपकी ज़िंदगी में, वो क्या बदलाव लेके आए? वो कोई ले या जिनको वोट देती हैं उनसे क्या चाहती हैं, वो आपको क्या दें? वो कोई नहीं कुरंदा, शायद ज़्यादा मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। दीदी आप आइए ना बाहर, आप कुछ बोल रही थी, कहाँ चली गई दीदी? इधर तो कुछ है ही नहीं, यही जो जो कुछ है बस इतनी सी जगह है, इसी में जो है ये बाबा भी रहते हैं, इसी में इनका परिवार भी रहता है। वो जितना भी इनका पूरा घर था ये पूरा नीचे आ गया है, पहले इधर ये जानवर भी बांधते थे। हम एक बार वो भी अंदर चल के आपको दिखाते हैं, इधर आ जाइए। ये इनका जो है ये छोटा सा घर था जिसमें रहते रहते थे, खाना पीना सब कुछ इसी में था। ये इधर जो है जानवर बांधते थे, अब क्योंकि ये नीचे आ चुका है तो इसमें ना तो इनके जानवर हैं। बाबा इसमें जो जानवर बांधते थे वो अब कहाँ गए? ले चला गया जंगल, जंगल जंगल में ले गया, जंगल में ले गया। हाँ। अच्छा, क्योंकि जानवर बांधने की जगह नहीं थी तो जो इनके जानवर थे उनको उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया है। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना इन्हीं आदिवासियों को करना पड़ता है जिनके वोट से जो है सरकारें बनती हैं, जिनकी बात इस टाइम पर सरकारें करती हैं। अबुआ आवास योजना के बारे में लगातार हेमंत सोरेन बात करते हैं, अबुआ आवास योजना के बारे में वो ट्वीट करते हैं कि 8 लाख मकान हम तैयार करवा रहे हैं और 17 लाख मकानों की तैयारी अभी शुरू हो चुकी है, यानी कुल जो है 8 लाख मकान अभी तक बन रहे हैं और बन चुके हैं उनमें से कुछ मकान, और 17 लाख मकान और बनेंगे। लेकिन ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के वोटर्स हैं, और ये संथाल का इलाका है, दुमका में मैं हूँ। बाबा आपके गाँव का नाम क्या है? क्या हमारा? हाँ, धुरमा मरांडी। गांव का नाम? गांव बुढ़बुढ़िया। बुढ़बुढ़िया ये गांव है, और ये उन्हीं के वोटर से वोट किसको देते हैं?
हम तो कल नहीं बताया, हम पहले दे रहा है शिव सोरेन, उसे हेमंत सोरेन को देते हैं वोट। अभी तो अभी अब आया तो मोदी को दे देंगे। और हेमंत सोरेन को अब तक वोट क्यों देते थे? अरे पहले हम बोल रहा है हमको मकान दे रहा है, नहीं दे, एक बार फोटो करके चला गया, नहीं दे, क्या करेगा। हेमंत सोरेन को वोट इसलिए देते थे क्योंकि इनको लगा था कि वो इनको मकान दिलवाएंगे जो इनका मकान टूट गया था, लेकिन इनके मकान की फोटो तो खींची पर इनको वो मकान नहीं मिला, तो इसलिए अब ये जो है ये मोदी को वोट देंगे कह रहे हैं। मोदी को वोट क्यों देंगे बाबा आप? तो हेमंत को देंगे तो मोदी, हम देंगे तो देंगे, मोदी को वोट देंगे तो मोदी मकान देगा। हाँ ठीक, हेमंत नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे, समझो भगवान है आशीर्वाद का। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर आपके ऊपर विश्वास जताया था, आपके ऊपर भरोसा जताया था कि इनका भी कुछ कल्याण होगा, इनके लिए भी कुछ चीज़ें आप करेंगे, लेकिन इनकी स्थिति आज भी वही है, इनकी आंखें आज भी नम है। आप देख सकते हैं कि कितना, जिसका भी एक घर छिन जाए, अगर आपसे कोई कहे जिस घर में आप रहते हैं आपको उसको छोड़ के जाना पड़े और आपको एक झोपड़पट्टी में रहना पड़े, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। और उसी स्थिति से ये बाबा जो हैं आज गुजर रहे हैं, इनका पूरा परिवार गुजर रहा है। आपके बच्चे लोग क्या करते हैं बाबा? मेरा एक बच्चे, एक तो बोल दिया ना बाहर चला गया, मिजोरम चला गया। एक बच्चा बाहर मिजोरम चला गया? हाँ। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। काम करने के लिए? हाँ। क्या काम करता है? क्या हम नहीं समझ रहा, नहीं पता है, नहीं ये भी नहीं पता है कि इनका बच्चा काम क्या करता है, बस ये पता है काम करने के लिए बाहर गया। हाँ। और दूसरा बच्चा क्या करता है? वो अभी मेरा मकान में अभी कहाँ निकल गया, ये दुर्गा पूजा आ गया ना, हम बोल के लाया तो यहाँ पर है अभी, तो कहाँ किधर चला गया। करता क्या है वहाँ? जगह जमीन में खेती कर रहा है, खेती कर रहा है, खेती करता है। हाँ खेती कर रहा है। बेटी क्या करती है आपकी? बेटी हमारा मकान में भी था, वो दूसरा मकान था उसका, दो तीन साल से हम मेरा मकान में था। शादी हो गई है बेटी? शादी हो गया, चार पांच बच्चा है, चार पांच बच्चा। हाँ। और बेटी का पति क्या करता है, आपका दामाद क्या करता है? वो दुकान किया, दुकान भी अभी चला गया, हरा गया दामाद, दुकान भी चला गया, हरा दिया ना, अभी घूमते घूमते रहता है, जहाँ कम बोलेगा वहाँ कम करता है, समझ? यानी कोई काम नहीं है किसी के पास? नहीं के नहीं, पैसे आने का कोई जरिया नहीं है? नहीं नहीं, कोई काम पैसा जुगाड़ करके नहीं, समझ? अरे हमारा बेटी तो चला गया जंगल लकड़ी लाने के लिए, लकड़ी का क्या करती है फिर लकड़ी लाके? ओ खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते। बेचने के लिए नहीं लाती है लकड़ी अपने? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं बेच रहे, नहीं नहीं बेच रहे, नहीं नहीं बेच, मेरा मकान में लिए, समझा? हम झूठ नहीं कहते हैं बेटी, झूठ नहीं बोलते। देखिए अपने आंसू पोंछ रहे हैं इस तरीके की, जब आप हालत लोगों की देखते हैं तो यही लोग हैं जिन्होंने सरकार पर भरोसा जताया था, और यही लोग उसी सरकार पर भरोसा जताने के लिए आज रो रहे हैं। ठीक बोल, परेशान मत होइए बाबा। ये देखिए, जिसका सपनों का घर छिन जाए, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा ये छोटा सा घर है, इसके लिए क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा घर इनके लिए इनका सब कुछ था, जो आज इनके लिए, इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा है, यानी इनका सब कुछ आज के समय पर ख़त्म हो चुका है, सब कुछ इनका छिन गया। ये जो घर था ये अब इनके पास रहने की जगह नहीं बची, उसी दुकान में ये रहते हैं, ठंड गर्मी सर्दी बारिश सब में उसी एक छोटी सी दुकान में रहते हैं। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से, कुछ कहेंगे? वोट दिया था आपने उनको? हम पहले तो हम बोला दिया, वो मकान फोटो के ले गया। हाँ। और अभी तो मकान नहीं बन रहा, नहीं बना, तो हेमंत सोरेन से क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, बोलेंगे हम तो, आप तो फोटो करके ले गया ना, हमारा मकान कोई नहीं दे रहा है। यानी अभुआ आवास योजना अभी तक डुमका में नहीं पहुंची है, डुमका खुद आपका क्षेत्र बताया जाता है, संथाल का ये इलाका है, और आपके ही लोगों के पास अभी तक अभुआ आवास योजना, आप जो वादे करते हैं कि मकान गरीबों को तीन कमरे मिलेंगे एक किचन मिलेगा, यहाँ ना तो तीन कमरे दिख रहे हैं ना तो एक किचन दिख रही है, बल्कि जो इनका एक मकान था छोटा सा रहने के लिए वो भी इनका छिन चुका है, वो मकान भी अब इनके पास रहने के लिए नहीं बचा है। दादी क्या करती हैं, क्या नाम हुआ? संजू हस्ता। संजू हस्ता, क्या करती हैं? बस काम करता है अभी। क्या काम करती हैं? बस
बस हाँ, हाँ, अच्छा कोई परेशानी होती है? नहीं कोई परेशानी नहीं गांव में। बिजली आता है? नहीं नहीं आता है। नहीं आता है। पानी आता है? नहीं। तो परेशानी कोई नहीं है? हाँ मान अपना शाम से आएंगे। बिजली नहीं आती है तो दिक्कत नहीं होती है रात में बाहर निकलने में? हाँ होती है। हाँ ए तोरा छै चलिए। वोट किसको देती हैं? वोट वोट देता है हम, हमार निस्टीम नहीं है, हमार नाम नहीं है, हम 3 बच्चों से वोट नहीं देता है। 3 बार से वोट नहीं देते? ना उधर जाकर जाबो नहीं, तोहर नाम नहीं खो। पैसा आता है अकाउंट में? ना ना। 1000 रुपये पर महीना आता है? ना ना। 1000 रुपये भी इनके अकाउंट में नहीं आता है मैया सम्मान योजना? नहीं 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 आता है। 1 रुपये भी नहीं आता है? नहीं। सरकार नहीं देती? नहीं देता है। और हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि देते हैं बूढ़ी माताओं को बहनों को रुपए 1000। देखा हेमंत सोरेन को जानती हैं? कौन है हेमंत सोरेन? कौन है हेमंत सोरेन? नहीं जानती हैं? नहीं। आपका नेता है आपके? अच्छा नहीं जानती अपने नेता को? हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन को जानती शिबू? हाँ शिबू सोरेन के जानते हैं। कैसे लगते हैं? कौन है शिबू सोरेन? है वोट देते बस। वोट देती हैं शिबू सोरेन के? कैसे लगते हैं शिबू सोरेन? शिबू सोरेन कैसे लगता है? कागज देते हैं लिखी कि नहीं बस भर दी। शिबू सोरेन को क्यों देती हैं वोट? हाँ 2 बार 3 बार 3 बार 3 बार से उन्हीं को दे रही हैं? हाँ। अच्छा उनको क्यों देती हैं, किसी और को क्यों नहीं देती हैं? नहीं नहीं देती? नहीं देते हैं। आपके नेता हैं इसलिए? हाँ। वो भी आदिवासी समाज से इसलिए? हाँ। आप मुश्किल कर दिए कुलिंग के ना छानबीन ठीक है लौरे लौर दो बाबा। हाँ। इधर हो जाइए थोड़ा सा आप। ठीक है इधर आएंगे। हाँ क्या समस्या है आपकी? हम घर करना है। क्या बात है? घर नहीं है? नहीं है। देखो इंक्वायर करके देखो। कहाँ रहते हैं? देखो ना वहाँ जा करके। चलिए ठीक है अभी आपके घर भी चलेंगे, आपके घर भी देखेंगे। तो ये इस तरीके की हालत है, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में ये लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं।